वेभ्यो नमो नमः, कथम अस्ति सर्वे, सम्यक अहम अपि सम्यक अस्मि। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह मम्मी ने हमें काम दे दिया है, एक बच्ची बक बक बोलती रूम जाते हूं मैं, जिद करना वाला बिल्कुल नहीं बाबा। एक और वो सुबह हमें मम्मी ने काम दे दिया है, एक बहन झाड़ू लगाएगी, एक बहन आटा गूंदेगी, दूसरी बहन बर्तन धोएगी, तीसरी बहन मम्मी के साथ मम्मी की हेल्प करेगी। तो बताना, आई नो जो दिन है वो ब्लैक डे है। ब्लैक डे मतलब पुलवामा हमला हुआ था 2019 में हुआ था। आज मौसम भी बहुत बहुत अच्छा है। अभी मैं मम्मी के साथ जाऊंगी, मम्मी की हेल्प करूंगी, तो फिर मिलते हैं काम, सारा काम करने के बाद। इतना बड़ा हमारे घर में जब सफाई करनी हो ना, तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट से सफाई की जाती है, उसके बाद पूरा घर। आज मौसम साफ है, फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो इसीलिए मैंने जैकेट पहन लिया है। और आजकल मैं बता दूँ आपको, काम चोर भी काम करने लग पड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको, जो काम से अपना जी चुराती थी ना, आजकल वो भी काम करने लग पड़ी है। देख सकते हो अभी भी काम नहीं कर रही है, चाय बना रही, कैसे ना करे, दादू को जो है। जिनको आपने अभी देखा वो गांव के हर एक घर का एक एक सदस्य है। कल का जो फंक्शन है उसके लिए आज से ही तैयारियां की जाती है। यहाँ पर भी दो जन आएंगे जिन्होंने ऊन के कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो, ये अभी बॉडी के पास से नहा कर आए हैं और अभी ये मंदिर जाएंगे। ऐसा बोलते हैं कि इनकी परछाई भी टच नहीं होनी चाहिए, तो अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए ये दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर से ही चलते हैं, है ना मम्मी। इनकी परछाई भी नहीं टच होनी चाहिए ना किसी से, ऐसा है। लगती भी ऑन कर, रुक जाओ ऊपर ही रुक जाओ। अभी हम यहाँ पर चिल्लड़ बनाएंगे दादू के लिए, मम्मी बनाएंगे और हम उनकी हेल्प करेंगे। पर चिल्लड़ की तैयारियां कर रहे हैं, सर्दियों टाइम चिल्लड़ खाने का मजा ही कुछ और है। जी अभी लाइट का थोड़ा सा इशू होगा क्योंकि लाइट चली गई है। हम तो अपनी भाषा में इसे चिल्लड़ बोलते हैं, आप बता देना कि आप इसको क्या बोलते हैं। इसे हम अपनी लैंग्वेज नगिस खट 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 की आवाज मत करो, ठीक है, दो मिनट। इसे हम अपनी लैंग्वेज में चिल्लड़े बोलते हैं, चिल्लड़ भी बोलते हैं। आप भी बताना कि आप इसको क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। सर्दियों टाइम बड़ा मज़ा आता है खाने में। अभी दादू के लिए बना रहे हैं, मम्मी मेरे लिए बनाया, आपने सबके लिए, दादू दादू के लिए भी बनाए हैं, मेरे लिए भी बनाए हैं, सबके लिए बनाए हैं। पर धुएं से बुरा हाल होता है इसको बनाने के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो मम्मी को बहुत ज़्यादा है, है ना मम्मी। रोज रोज बनाते हो ना दादू के लिए, मम्मा रोज बनाते हैं। मम्मी बोल रहे हैं कि आग तेज चाहिए इसको पकने के लिए। हाँ बनाई थी वीडियो, अभी हमने सारा काम फ्री कर लिया है और दादा दादी और मैं। अभी हम शाम के लिए राजमा की दाल कुछ छांटेंगे,
किसकी माँ ना डी ना उखती में का बैग टी जाएगी उखती में कौन बैग टी उखते सा मुझे कोड हुई है। अच्छा दादी और मैं अभी इसको छाटेंगे, इसके अंदर जो होगा वैसे तो भी मुझे ना थितरी ना थितरी थोड़ा पूरा साथ मिलके दादी से दादी की बात सुनते हैं कि पहले के लोग कैसे जीते थे। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जंगल में जाते थे गर्मी टाइम में तो दो तीन महीने जंगल में फिर जड़ी बूटी खोदनी फिर बारिश में भी ऐसे पी रहने को भी ऐसे जाते थे कि पत्र के नीचे बैठना पड़ता था भाई खाना बनाना तो लकड़ी भी गिली गली लकड़ी जलानी फिर उससे खाना बनाना फिर आना दिन को जाना फिर जड़ी बूटी को भी फिर उससे पैसे कमाते थे खाने को रहते थे अपना गुजारा करते थे जैसा काम करके मतलब जैसा आप जड़ी बूटियाँ लाते थे फिर आप उसको बेचते थे फिर उससे हाँ, जो पैसे मिलते थे उसका बनाते थे सब कुछ मतलब हाँ, सब कुछ उसका ही लेते थे फिर दाल चावल आटा सब कुछ उसका ही होता था। फिर पहले पहले तो ऐसा होता था खुद बोझा उठाना ऊपर जाना फिर जंगल में फिर वहाँ जंगल में रहना फिर वहीं रह के फिर वो जो जड़ी बूटी खोदी होगी खुद बोझा बना के फिर खुद उठाना घर जलाना फिर आजकल भी जाते हैं ना जंगल तो जाते हैं ना आजकल भी पर थोड़ी सुविधा हो गई आजकल ऐसे कि लोगों के पास थोड़ा पूरा हो गया तो फिर टेंट भी ले जाते हैं टेंट भी जाते हैं और नीचे आते हैं घोड़े भी लाते हैं आजकल तो वैसे करते हैं कि जड़ी बूटी खोदनी फिर बोरी भर के रखना फिर घोड़े के ऊपर भी लाते हैं नीचे तो पहले पहले तो बड़ा मुश्किल होता था कि खुद ही उठाना पड़ता था राशन पानी भी ऊपर तो नीचे आती बार जो हो तो वो भी खुद उठा के लाना था तो सर्दी टाइम में हमारे को कुछ नहीं होता है कमाने को बर्फ़ पड़ती है सर्दी टाइम में तो पूरी सर्दी दो तीन महीने होती है बर्फ़ फिर मार्च में होती है बर्फ़ पिघलती है फिर उससे बाद थोड़ी पूरी ज़मीन होती है उसको खोदते हैं तो थोड़ा बुरा भेजना उसमें फिर दो तीन दिन महीने के बाद वो जाना फिर ऊपर जंगल को फिर जंगल में ही रहना फिर ज़्यादा परिवार हो तो फिर वो पैसे कमाते थे कम हो गए तो वो भी जाते थे एक आदमी घर में बैठना फिर जाना जंगल में फिर करना वो जड़ी बूटी खोदनी फिर। अच्छा तो जैसा आपको बताया बड़ी मुश्किल होती थी बरसात में बरसात लगातार बरसात होती थी गीले कपड़े भी नहीं होते थे लगाने को फिर बड़ी मुश्किल से करते थे फिर अपना गुजारा। अच्छा तो फिर आजकल तो सबके पास यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है पहले तो ऐसा कुछ नहीं था अब तो टूरिस्ट बन गया टूरिस्ट एरिया बन गया है पूरा बुशैनी दुर्गा पुलगा तोश सारा तो आजकल तो है पैसे टूरिस्ट चले फिर लोगों ने घर भी बनाए फिर पैसे कमा के फिर रेस्टोरेंट बनाए फिर अब तो चलते हैं ना अब तो सेब के पेड़ भी लगाते हैं होते हैं फिर यहाँ सेब भी होते हैं फिर टाइम लगता है सेब के पेड़ भी होते हैं कि ऐसे कि जैसे जैसे अपने बच्चे छोटे बच्चे पालते हैं वैसे पालनी पड़ती है पहले तो उससे बाद होते हैं वो लगते हैं सेब फिर होते हैं वो बेचने को फिर होते हैं बहुत साल के बाद एक पेड़ को कितना टाइम लगता है पूरा बड़े होने में फल देता है जब ऐसे लगता है कि पहले के जो पहले पहले पेड़ लगाते थे ना उसमें तो बहुत टाइम लगता था कि 11 12 15 साल भी लगते थे फिर देते थे वो फल पर अब तो वैरायटी दूसरी आ गई ना हमारे साइड में तो नहीं अभी हुई ना नीचे हो गए वो बोलते हैं कि तीसरे साल में वो फल देते हैं कि हमारी साइड में तो नहीं है हमारी साइड में तो ही है वैसे पुराने कोई 10-15 साल के बाद देते हो उतने पड़ते उसकी सेवा करनी फिर देते हो फल हाँ पहले का टाइम बहुत मुश्किल था बहुत मुश्किल था अब तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं आ चुकी है पूरे गांव में हर तरह की फैसिलिटीज़ आ गई है। पहले तो बड़ी मुश्किल थी आप वहाँ से जाते थे उस वाले जंगल ऐसे जंगलों में चलो आपको तो दूर जाते थे इनको दिखाते हैं ये वाला जंगल है कहाँ पे जाते थे दादा दादी वगैरह इस साइड ऐसे जंगलों में जाते थे ऊपर फिर यहाँ से ऐसे करके और सारा यहाँ से सारा सामान ढोते थे अपने आप खुद जैसा दादी ने आपको बताया। कहाँ जैसे दादी आपका डेरा कहाँ था डेरा बोलते हैं ना पर ऐसे होते थे ना कि पत्थर बड़े बड़े पत्थर होते थे उसके नीचे बैठना फिर क्या करना होता ऊपर पेड़ तो होते नहीं है
नीचे नीचे पेड़ होते हैं, पेड़ तो पेड़ के नीचे भी बैठते थे। मतलब जड़ी बूटियां जो आप खोदते थे ना, वो कैसे खोदते थे? वो तो कुदाली से खोदनी मेरे कुदाली से में जाना, फिर बीच में घास होता था, फिर घास के बीच में भी कुदाली से खोदनी और पेड़ निकालनी। अच्छा, फिर पड़ते है बोरू के डालते थे पीठ में डालना, वो फिर बोरू में डालनी, फिर वो जड़ी बूटी। अच्छा, जड़ी बूटी डाल के। कितना टाइम लगता था मतलब जड़ी बूटियाँ खोदने में? पूरी एक बोरी फूल होती थी ना, तो कितना टाइम लगता था उसमें पूरा फूल होने में? बोरी करने को लगता है दस पंद्रह दिन। वो भी मिली अच्छी तो फिर 10-15 दिन, नहीं तो ज़्यादा भी लगता था। फिर उस पानी पड़ती है, फिर सूखी करके गीली तो लेते नहीं थे, वो सूखी करनी फिर। अच्छा, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी मतलब। ठंड से तो हाथ पैर, हार्ड वर्क बोलते हैं इसको आज की डेट में। आजकल तो कोई नहीं करता है ना दादी, आजकल तो कोई नहीं करता है हार्ड वर्क जैसा आपने किया है पहले। आजकल तो उतना नहीं जाते तो है ना, आजकल जंगल जाते हैं ना, आजकल सुविधा हो गई, घोड़े ले जाते हैं, राशन भी घोड़े के ऊपर ले जाते हैं, फिर जड़ी बूटी खोदी तो फिर वो बोरी को भी लाना, फिर घोड़े के ऊपर लानी पहले। अच्छा, तो पहले पहले कहाँ थी इतनी सुविधा, नहीं अपने आप खुद लाना सब कुछ। तो बस ऐसा है, गांव में बहुत मुश्किल होता है। यहाँ भी एक कामचोर। मैं तो घर में थी, आशिकुलू से आई है। मैं तो लटक गई। आशी तो लटक गई। अच्छा, मेरे को आपको मेरा नाम याद है या भूल गए? भूल गई मैं तो, भूलती रहती हूँ। भूलती रहती है, ऐसे नहीं भूलना है। क्या नाम है मेरा? अदिति दीदी। अदिति दीदी, हाँ। अभी मैं 2 मिनट बाद फिर से पूछूंगी, याद रखना, ठीक है? ओके। क्या नाम है मेरा? जोर से। अब याद रखना है, ठीक है? अभी नगीस यहाँ पर आटा बना रही है और ये सदमे में है क्योंकि फ्री फायर बैन होने वाली है। नगीस कुछ कहना चाहोगी? हाँ जी, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, तो प्लीज बोलिए। जब मेरे साथ कोई नहीं था ना, हाँ, तो मेरे साथ मेरी फ्री फायर थी। मम्मी तो बहुत खुश हो गया ना, मम्मी है ना, बहन हो गया, बहुत खुश हो गया मम्मी, क्योंकि नहीं तो ये सुनते ही नहीं थे। फ्री फायर खेलते थे, सारा काम मम्मी के ऊपर आ जाता था। इतना है ना भाई, बोला कुछ आप कितना खुश है कि फ्री फायर बैन हो गई है? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, फ्री फायर बैन हो गई है बेटा। आई नो, रोबोट चाहिए। इसने तो कह दिया अपने दिल की बात, भी है फ्री फायर हो गई बेटा, बैन हो गई, मतलब हो गई, सबने कहा हो गई फ्री फायर बैन। ऐशा, ऐशा फ्री फायर भी बैन? अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि तू नहीं खेलती थी ना। हाँ।